हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है तथास्तु और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताने वाला हूं जिसके लिए आपको बहुत लो इन्वेस्टमेंट लगेगा। जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए कोई ट्रेडमार्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ब्रांड ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहो मार्केट में प्रोडक्ट लाओ, लिस्ट करो और सेल करो। 50,000 रुपये तक की मंथली सेल पर प्रोडक्ट से आप जनरेट कर सकते हो एस्टिमेटेड। ये डेटा मैंने फैच किया है एक टूल की मदद से, एमजी स्काउट टूल की मदद से। तो मैं आप लोगों को वो प्रोडक्ट्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। जिन्होंने ई कॉमर्स बिजनेस अभी शुरू किया है, ऑर्डर नहीं आ रहे, उनके लिए वीडियो बहुत काम का है। और जिनके पास ट्रेडमार्क है, अगर वो भी चाहें तो इन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके लिए कोई ट्रेडमार्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ब्रांड ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और इसके ऊपर कोई ब्रांड नेम नहीं है। तो आप अगर जेनेरिक प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट लाके आप सेल कर सकते हैं, जिससे आप भी अपने बिजनेस में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं बिना ज़्यादा इन्वेस्ट किए प्रोडक्ट्स में और बजट में। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ गाइज, सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि सर आप सिर्फ अमेज़ोन के बारे में ही बताते हो। मैं ऐसा नहीं है, जो प्रोडक्ट आप अमेज़ोन पे सेल कर रहे हैं उसे आप फ्लिपकार्ट भी सेल कर सकते हैं, उसे आप मीशो भी सेल कर सकते हैं। अमेज़ोन पे इसलिए बताता हूँ क्योंकि फ्लिपकार्ट और मीशो का ऐसा कोई टूल नहीं है जो ऐसा डेटा फैच करके दे सके कि कौन से प्रोडक्ट पे कितनी सेल आ रही है। सिर्फ अमेज़ोन पे आती है ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि अमेज़ोन एक वर्ल्ड वाइड फैला हुआ मार्केट प्लेस है, एक बड़ा ब्रांड है जो आपको API देता है और API की मदद से ये टूल्स जो है आपको डेटा फैच करके देते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वन बाय वन उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं, सो दैट आप भी उस टाइप से प्रोडक्ट लाके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और अच्छी खासी सेल्स भी जनरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। देखिए, जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है पर्पल वैली यूनिसेक्स कॉटन बंदना हेड रैप रिस्ट बैंड फेस कवर हैंकरचीफ फॉर मैन एंड वुमेन 50x50 सेंटीमीटर और पैक ऑफ 4। ये जो प्रोडक्ट है, देखो ये प्रोडक्ट आप मार्केट से लाके, यार देखो अगर आप है ना किसी अच्छे होलसेलर के पास जाओगे ना तो वो भी आपको इस टाइप के प्रोडक्ट अच्छे से लाके दे सकता है। क्या रेट होगी इनकी यार, क्या मतलब, अगर ये 270 में बिक रहा है और 70 रुपये इसकी शिपिंग चार्जेस हैं, मेरे ख्याल से ये शायद आपको 100 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो आराम से आप इस बंडल के ऊपर 50 से 100 रुपये कमा सकते हो आराम से, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी खासी सेल जनरेट कर रहा है। आप देख सकते हैं 483 इसके ऊपर रेटिंग्स हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट देखो, आपको इससे इंस्पायर होना है, ठीक है ना। आपको यही नहीं कि ऐसे ही ब्लू रेड वाइट और ब्लैक कलर का लाके आप अपलोड कर देंगे या इसी के अंदर आप लिस्टिंग जो है मैप कर देंगे, ऐसे मत करिएगा। अपने हिसाब से पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 5 जितना बना सकते हैं बनाएं, और इस टाइप के प्रोडक्ट बिना ब्रांड नेम के, बिना ब्रांड ऑथराइजेशन के, बिना ट्रेडमार्क के लिस्ट कर दें, आपको धीरे धीरे आपको भी सेल आनी शुरू हो सकती है। तो ये इस टाइप के प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हैं अमेज़ोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर और मीशो के ऊपर। दूसरा जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं, ये इस टाइप के ब्लाउज पीस मटेरियल भी आप, जैसे अगर मैं यहाँ पर ब्लाउज पीस मटेरियल को सर्च करता हूँ इस वेबसाइट पे आके, अमेज़ोन के ऊपर आके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अमेज़ोन चॉइस टैग का ही प्रोडक्ट मैंने आपको ओपन करके दिया था इस कैटेगरी में जो, और आप देख सकते हैं ये जेनेरिक है। अगर इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप देखोगे, इस कीवर्ड के ऊपर ब्लाउज पीस मटेरियल के ऊपर अगर आपको अमेज़ोन चॉइस का टैग मिला हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी सेल जनरेट कर रहे होंगे। तो देखो, ये प्रोडक्ट के अंदर एक प्लस पॉइंट तो ये है कि आपको कोई ब्रांड ऑथराइजेशन और कोई ट्रेडमार्क लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक माइनस पॉइंट ये भी है कि इसमें कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि कोई भी इसे सेल कर सकता है, राइट। लेकिन फिर भी अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक है और कोई इसे नहीं सेल कर सकता, किसी के पास ये डिज़ाइन या ये क्वालिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो उसे मैप करके भी इससे कुछ भला नहीं होगा और उसको कोई महंगा प्राइस में सेल करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 599 में सेल करके अप्लाई 10% कूपन कोड भी दे रहे हैं और दूसरे जो सेलर से वो 780,000 रुपये के आसपास सेल कर रहे हैं, तो इनको ऑब्वियसली बात है कि इनको सेल तो आ ही नहीं रही होगी, राइट। तो ये जो सेकंड प्रोडक्ट है ये जेनरिक कैटेगरी का है, इसका कोई ब्रांड नेम नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं है, आप इसको इजीली लिस्ट करके सेल कर सकते हैं बंडल के अंदर, ठीक है। अब जो अगला प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, इसके ऊपर 94 रेटिंग्स है गाइस, XXL ओवरसाइज प्लस साइज विमेन फॉर्मल फैब्रिक बेल्ट बैक माइक्रो प्रिंट फॉर जीन्स एंड ट्राउजर। जो ओवरसाइज पीपल होते हैं, किसी ना किसी अनफॉर्चुनेटली डिजीज से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उससे जूझ रहे होते हैं, उनकी बॉडी थोड़ी सी बल्की होती है, हैवी होती है, तो उनके कपड़ों के लिए उनको बेल्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये सिंपल सा बेल्ट 239 में बिक रहा है और
अच्छी खासी सेल भी जनरेट कर रहा है अमेज़ोन के ऊपर। मैं सिर्फ अमेज़ोन की बात कर रहा हूँ, इसे आप फ्लिपकार्ट और मीशो पे भी सेल कर सकते हैं और अच्छी खासी सेल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि ओवरसाइज पीपल हमारे देश में बहुत सारे हैं, ओवरसाइज लोग बहुत ज़्यादा हैं। आप इस नीश को भी टारगेट कर सकते हो और इनके लिए टी शर्ट्स, लोअर्स, शूज, जॉगर्स, आप इनके लिए बेल्ट, एसेसरीज, कैप्स सब निकाल सकते हो और इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक कैटेगरी है और इस टाइप के प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो। वीडियो में जुड़े रहिएगा, आपको और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैं बताने वाला हूँ जिन्हें आप सेल करके अच्छी खासी बिजनेस जनरेट कर सकते हो, और छोटी छोटी टिप्स भी दूंगा जो आपके मदद कर सकती है आपके ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करने में। फोर्थ जो प्रोडक्ट है गाइज वो है पंडित धोती सेट। जेनरिक है, आप धोती सेट भी सेल कर सकते हो। 89 रेटिंग्स है, 4.2 स्टार रिव्यू है। आप अलग अलग देखो, कुर्ता प्लस पजामा, कुर्ता प्लस धोती, स्टिच कुर्ता धोती, येलो धोती एंड येलो कुर्ता। जैसे स्टिच कुर्ता धोती पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आपको ये भी सेट मिल सकता है कि आप स्टिच किए हुए कुर्ता धोती ले सकते हैं, आप कुर्ता पजामा खरीद सकते हैं, जैसा आपको लेना है उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप से जो है आता है, इसका कोई ब्रांड नहीं। अगर आप ये देखेंगे ऊपर कुछ ट्रेडर्स है, ओके स्वास्तिक ट्रेडर्स है, तो ये किसी स्वास्तिक ट्रेडर्स ने जो है इसको लिस्ट किया है और इसके ऊपर जो है प्रोडक्ट जो इमेजेस आप देख सकते हैं ये डाल के इन्होंने सेल करनी चालू कर दी है। लोगों की रिक्वायरमेंट है, अच्छे रिव्यूज़ हैं। और धोती कुर्ता सेट फॉर मैन फॉर पूजा, अगर आप ये कीवर्ड से सर्च करेंगे, ये कीवर्ड से अगर कोई सर्च करता है अमेज़ोन के ऊपर, ये प्रोडक्ट सबसे पहले दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छी सेल हो रही है। इस टाइप के प्रोडक्ट भी आप जेनरिक में सेल कर सकते हैं, धोती कुर्ता इस टाइप के प्रोडक्ट आप अपने मार्केट से टेलर से अच्छे से कपड़े को लेके सिलवा के इस तरह से लिस्ट कर सकते हैं। आपको कोई ट्रेडमार्क, कोई ब्रांड नेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगला जो प्रोडक्ट है वो है लोअर्स, देख सकते हैं आप 800 से भी ज़्यादा, अराउंड 900 रेटिंग्स है इसके ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं कि 475 में पैक ऑफ 3 है, शॉर्ट्स फॉर मैन। तो इस तरीके के प्रोडक्ट भी आप बिना ट्रेडमार्क और बिना ब्रांड नेम के सेल कर सकते हैं। इनसे इंस्पायर हुए योगा के लिए, रनिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जिम के लिए, इन सब के लिए ये मल्टीपर्पस प्रोडक्ट है, तो इसे भी आप जो है सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है आप देख सकते हैं कार्स में यूज़ आता है, आपकी सीट के पीछे कार हो गया, या फिर आप जैसे जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ इस टाइप की चेयर पे अगर आप बैक में लगाना चाहते हैं सो दैट आप कंफर्टेबली बैठ के आपकी बैक को स्ट्रेट रख के जो है काम कर सकते हैं। इससे आपको थकान भी नहीं होगी, आपके बैग में एक भी नहीं होगा, और जो है आप लंबे टाइम के लिए काम कर पाएंगे और लंबी जर्नीज भी कर पाएंगे। दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, 335, और आप रेटिंग्स देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, करीब करीब 11,000 रेटिंग्स है इसके ऊपर। और ये प्रोडक्ट जो है अभी ब्रांड पे बिक रहा है, लेकिन आप इसे जेनरिक भी सेल कर सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है दोस्तों ये एक 10 पीसेस लवली स्मॉल विश बॉटल, टाइनी क्लियर एम्प्टी विशिंग ग्लास मैसेज। अगर आप देखेंगे कि ये एक तरीके का गिफ्टिंग प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, इसको आप गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक गिफ्टिंग आइटम्स है। सिर्फ 150 रुपये, 160 रुपये के आसपास में ये बिकता है। अच्छी खासी इसके ऊपर भी रेटिंग है, जेनरिक है। जो ये प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को बताया ना, इस पर करीब करीब 40 से 50 हज़ार की सेल है। तो अगर आप इस टाइप के 10-12 प्रोडक्ट ले आते हैं तो आप भी अच्छी खासी 2-4 लाख रुपये की सेल ईजिली जनरेट कर लेंगे इन जेनरिक प्रोडक्ट से। लेकिन वो इंस्टेंट नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा टाइम लगेगा। वो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि आपको लिस्ट करते ही ऑर्डर नहीं आएंगे, इट विल टेक सम टाइम, बट जब आने शुरू होंगे तब एक साथ सभी के ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? ये प्रोडक्ट जो है ना, ये मैंने पूरा का पूरा एक सेट लिया है। मार्केट से साड़ी लाओ, अच्छी सी फोटो सेलर से ले लो और लिस्ट कर दो जेनरिक में। हर शहर गाँव में आपको साड़ी के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स या फिर साड़ी के रिटेलर्स, दुकानदार मिल जाएंगे, या फिर आप सूरत जाके या अहमदाबाद जाके या कलकत्ता जाके आप कुछ साड़ियाँ ले आओ सस्ती सस्ती, या फिर आप किसी से मॉडलिंग फ़ोटो शूट करवा लीजिए, आपकी कोई कज़न हो, आपकी कोई फ्रेंड हो, आपकी बहन हो, कोई भी किसी से, अगर वो इस तरीके से पहन के एक स्टूडियो में जाके अच्छे खासे 4-5, 10-12 फ़ोटो खिंचवा दीजिए और लिस्ट कर लीजिए जेनरिक प्रोडक्ट में, तो आपको अच्छी खासी सेल जनरेट हो सकती है। और साड़ी तो आपको मालूम है कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा बिकती है, तो ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप जेनरिक सेल कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर में इसको ब्रांड बनाना चाहते हो तो बात अलग है, आप इसको बैकएंड पे ब्रांड के लिए अप्लाई करके ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा के बाद में ब्रांड में कन्वर्ट करा दें, लेकिन ये प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हैं।
और आप अच्छी खासी सेल जो है ला सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। अब दोस्तों अगला जो प्रोडक्ट है वो है नेक सपोर्ट, नेक कुशंस कहते हैं इनको, गाड़ियों के अंदर पीछे बैक में लगता है। 150 रुपये का पैक ऑफ टू आता है, सेट ऑफ टू यहाँ पर अमेजोन फुलफिल्ड है। कार्स लोगों के पास बहुत है, सिटीज़ में भी कार्स बहुत है, लोग जॉब करने जाते हैं तो उनको इस टाइप के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि वो छुट्टी के दिन अपनी कार लेके किसी डेकर वाले के पास जाएं और उनसे ही खरीदें। कई बार सिटीज़ के अंदर ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से बिक जाते हैं, हर बिल्डिंग में, हर फ्लैट में, लगभग हर किसी के पास कार आज की तारीख में होती है। बड़ी सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, इवन छोटी सिटीज़ में भी होता है और छोटे गांव, छोटे टाउन्स, विलेजेस में आजकल कार होती है। तो ये प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हैं, जेनरिक टी शर्ट्स भी आप सेल कर सकते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड वाले कुछ ऐसे। देखो किसी का पर्सनलाइज नाम नहीं लिखना है, लेकिन जैसे अगर भगत सिंह की जयंती आती है तो आप शहीद भगत सिंह के टी शर्ट, 15 अगस्त आते हैं तो 15 अगस्त वाले जो है झंडा तिरंगा वाले टी शर्ट्स, गांधी जयंती आती है तो गांधी जी वाले टी शर्ट्स, दिवाली आती है तो हैप्पी दिवाली वाले टी शर्ट्स, कोई भी इवेंट आता है तो उस तरीके के टी शर्ट्स भी आप प्रिंट ऑन डिमांड वाले जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग वाले टी शर्ट्स होते हैं उस टाइप के टी शर्ट्स को भी आप लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर आएगा आप टी शर्ट वाले के पास जाएंगे, उसको प्रिंट कराएंगे और डिस्पैच करके भेज देंगे। तो ये भी एक अच्छा खासा बिजनेस है जिसे आप कर सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो के ऊपर। यहाँ पर इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं ये प्रोडक्ट्स जेनरिक प्रोडक्ट्स होते हैं गाइस, और इन्हें आप इजीली सेल कर सकते हैं। आपका अगला सवाल होगा कि सर जेनरिक प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, उसके लिए भी मैंने बहुत अच्छा वीडियो डेडिकेटेड बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको बाद में देख लीजिएगा। उसके साथ साथ अमेजोन पे सेल करना सीखना चाहते हो, साइड में मैंने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, उससे भी आप सीख सकते हो। और अगर आप प्रोफेशनली ये कोर्स करना चाहते हो, हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ जूम सेशन में जुड़ना चाहते हो, तो कोर्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दिया है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, आई होप इससे आपको बहुत मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।